हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण क्लास सेकंड चैप्टर वन भाषा के बारे में बताएंगे। पहले हम आपको यह बताएंगे कि भाषा क्या है। हम जो कुछ भी बोलते हैं वह हमारी भाषा है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार हम भाषा के द्वारा एक दूसरे से अपनी बात कर सकते हैं। भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम बोल कर या लिख कर अपने मन के भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। अब हम पढ़ते हैं भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला लिखित भाषा, दूसरा मौखिक। अब इन चित्रों को देखिए कि इनमें क्या हो रहा है। अध्यापिका पढ़ा रही है और बच्चे सुनकर समझ रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है, यानी जब हम अपनी बात बोलकर कहते हैं तो भाषा का मौखिक रूप होता है। दूसरे चित्र में गीता पत्र लिख रही है और उसकी सहेली उसे पढ़कर समझ रही है। यह भाषा का लिखित रूप है, यानी जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं तो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। पशु पक्षियों की बोलियाँ। अब हम आपको बताएंगे कि पशु पक्षी किस की बोलियों का क्या मतलब है। बच्चों, घर के आसपास मनुष्यों को अपनी आवाज़ निकालते हुए और पक्षियों को चहचहाते हुए आपने देखा होगा। पशु या पक्षी जिस रूप में भी अपनी आवाज़ निकालते हैं यही उनकी भाषा है, जिसे हम पशु पक्षियों की बोली के रूप में जानते हैं। बच्चों, यह सच है कि पशु पक्षी हमारी तरह बोल नहीं सकते, वे हमारी तरह लिख भी नहीं सकते, परंतु उनकी भी एक बोली होती है जिसके द्वारा वे आपस में बातें करते हैं। आइए हम जानें कौन कैसे बोलता है। मेढक, मेढक टर्राना। कोयल, कोयल कूकना। हाथी, हाथी चिंघाड़ना। तोता टे टे करना। शेर दहाड़ना। चिड़िया चहचहाना। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करना। कबूतर गुटरगू करना। घोड़ा हिन हिनाना। कौवा काँव काँव करना। इस प्रकार हमने देखा कि पशु पक्षियों की बोली कौन सी होती है। अभी तक हम लोगों ने सीखा, पहला बोलकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात सुनकर समझना ही भाषा है। दूसरा, पशु पक्षियों की भी अपनी बोली होती है। आइए अब हम अभ्यासकार को देखते हैं। सोचिए और बताइए। मौखिक का, आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं। हिंदी भाषा। ख, हम पशु पक्षियों की बोली क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि हमें पशु पक्षियों की बोली का कोई ज्ञान नहीं है। सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। क, बोलकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है। मौखिक। ख, लिखकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है। लिखित। ग, भाषा के कितने रूप हैं। दो, दो पर टिक लगाइए। ये आपका होमवर्क है। चित्र देखकर भाषा का रूप लिखिए। पहले में एक बच्ची लिख रही है तो यह भाषा का लिखित रूप है जो दिया हुआ है। दूसरे चित्र में सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है
अब यह सब्जी लिखकर बेच रहा है या पढ़ बोल कर बोल रहा है, इसको आपको लिखना है। तीसरे चित्र में एक लड़का आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम खरीद रहा है। अब यह आइसक्रीम वो बोलकर खरीद रहा है या लिखकर खरीद रहा है, इसे आपको लिखना है। चौथे चित्र में अध्यापिका श्याम पट पर लिख रही है। अब यह भाषा का लिखित रूप है या मौखिक रूप है, इसको आपको लिखना है। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।